हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रामपाल सिंह। आज बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। सोचा चलो कुछ अपने स्वास्थ्य के बारे में ही चर्चा करते हैं, कुछ जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, साथियों को। तो आज हम बात करेंगे जो बहुत ही हमारे समाज में प्रचलित परेशानियां हैं, जैसे कि कमर दर्द। कमर दर्द बेसिकली ऐसा कोई फैमिली नहीं होगी जहां पर कि किसी के परिवार में कोई ना कोई उससे ग्रसित ना हो, चाहे वो यंगस्टर्स हों, चाहे मिडिल एज पर्सन हों, चाहे ओल्ड एज लोग। तो ये कितनी प्रचलित प्रॉब्लम है कि हमारे परिवार में किसी न किसी को अवश्य रहती है। लाइफ टाइम में हर कोई इस परेशानी से अवश्य परेशान रहता है। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर ये कमर दर्द होता क्यों है। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है हमारी जीवन शैली है, हमारा लाइफ स्टाइल है, कि हम काम के बारे में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। टेंशन में टेंशन रहती है, आदमी अच्छे से खाना पीना नहीं खाता है और दौड़ भाग नहीं कर पाता है। जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो हमारी शून्य रहती हैं। सेडेंटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम अपने घर से निकले, गाड़ी में बैठे, ऑफिस में गए, कंप्यूटर पे काम करने लगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी शून्य हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होता है, हमारा वजन बढ़ता है। तो वजन बढ़ना भी एक कमर दर्द का या किसी भी शरीर के जोड़ों का, घुटने के जोड़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। ठीक, उसके साथ साथ जो यूजली अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यंगस्टर्स की, जो हमारे समाज में कम उम्र के लोग हैं, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल तक के, जिनका शरीर मजबूत है लेकिन वो कुछ इस तरह से एक्टिविटी में शामिल रहते हैं कि जैसे कि उसको एक्सीडेंट हो गया, बहुत तेज बाइक चलाते हैं, चोट लग गई है, ठीक है, कमर में चोट लगना है, रीढ़ की हड्डी में जो स्पाइन है, मेरुदंड है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो ये कारण है। अब यंग है तो उन्होंने क्या किया कि बहुत ज़्यादा वजन उठा लिया, तो उसके चक्कर में अधिकतर सुना हुआ कि कमर में चिक चली गई। तो चिक जाना ये एक स्पाइन की प्रॉब्लम का इनिशिएशन है, शुरुआत होती है। हमारे स्पाइन में जो डिस्क होती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिनको आम भाषा में गुड़िया कहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं चोट आती है या मसल स्पाज्म होता है। स्पाज्म बेसिकली क्यों होता है? स्पाज्म का मतलब है हिंदी में मांसपेशियों में जकड़न आना। तो वो जिससे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेशेंट आते हैं वो कमर टेढ़ी करके आते हैं, तो उनसे चले नहीं जा रहा है। तो बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की घटना हुई है कि जिससे कि बॉडी उसको चाहती है कि वो वहीं स्टेबल रहे और उसको बढ़ाने नहीं चाहती, इसलिए मांसपेशियां उस चीज़ को कवर करने के लिए स्पाज्म में चले जाती है, कॉन्ट्रेक्शन में चले जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि आपने, चाहे वो चोट लगने के बाद हो, चाहे भारी वजन उठाने के बाद हो, और अधिकतर घरों में जो महिलाएं होती हैं और हम लोग होते हैं, वो आगे झुककर बहुत काम करते हैं, कोई चीज़ उठानी होती है, घर में बाल्टी उठानी होती है, तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं, आगे झुककर काम करना, भारी वजन उठाना, समय के साथ साथ शरीर का कमज़ोर होना, ओल्ड एज में जो चेंजेस आते हैं शरीर में, जिसको कहते हैं डीजनरेशन की, जो समय के साथ साथ बॉडी में जिन विघटन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। फिर कभी कभी क्या होता है कि बॉडी में हमारे जो शरीर के निचले अंग हैं, पेट के अंदर, उनमें अगर किसी अंग में कैंसर हो जाता है तो उसकी जो कोशिकाएं हैं, एक स्टेज पे वो कोशिकाएं उस एरिया से भागकर इधर उधर फैलने लगती हैं। तो जो शरीर का जो स्पाइन है, जो मेरुदंड है, वो एक बहुत कॉमन साइट है, वो रुधिर कोशिकाओं के साथ मिलके वो कैंसर की कोशिकाएं मेटास्टेसाइज होती हैं दूसरी जगह पर, जिनको सेकेंडरीज बोलते हैं, या उस प्रक्रिया को मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो मेटास्टेटिक सेल्स, जब कैंसर सेल्स जब मेटास्टेसिस के थ्रू जब रीढ़ की हड्डी में जाती हैं,
तो वो भी दर्द का कारण बनती है, वो बहुत तेज दर्द होता है। या शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए, अधिकतर फीमेल्स में, जो फीमेल्स 45 ईयर्स के बाद में जब उनके शरीर से जब इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जब गायब होने लगते हैं तो उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत आने लगती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस में भी शरीर में दर्द होता है। कभी कभी बॉडी में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, ठीक है, जब विटामिन डी की कमी होती है तो वो भी दर्द मांसपेशियों में पूरे शरीर में ऐठन के जैसे होता है, लगता है शरीर कुल रहा है, ऐठन हो रहा है, स्पेशली रात को बहुत दर्द होता है। और वो दर्द ऐसा होता है कि उसको आप क्या है कितना भी पेन किलर्स खाएंगे वो दर्द सही नहीं होगा, तब तक सही नहीं होगा जब तक कि आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक थेरेप्यूटिक लेवल पे, इलाज के लेवल पे और एक उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस लेवल पे नहीं लेंगे। तो ये प्रॉब्लम जो विटामिन डी की प्रॉब्लम है, क्योंकि अधिकतर हम लोग ऑफिस में रहते हैं, घर के अंदर रहते हैं, और विटामिन डी का सिंथेसिस जो होता है, संश्लेषण, वो हमारी स्किन में सूर्य की जो रोशनी है, किरणें हैं, उनकी उपस्थिति में होता है। ठीक है, तो विटामिन डी भी एक कारण है। ठीक है, तो विटामिन डी को हमको लेना चाहिए, साथ में जो अगर हम चाहे कितना भी कैल्शियम लें अपने शरीर के लिए, हड्डियों को मेंटेन कर रखने के लिए, उनकी मजबूती के लिए अगर हम कितना भी कैल्शियम लेते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी रहेगी तो वो बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा खाने के साथ जितना भी ले रहे हैं, चाहे आप दूध पी रहे हों या अलग से आप कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं, अगर उसमें विटामिन डी नहीं रहेगा प्रॉपर शरीर में तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हमारे ब्लड में जो खाने से जो हमारे ब्लड में जाता है कैल्शियम वो नहीं जा पाएगा, तो ब्लड में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से हमको हमेशा जो है कैल्शियम की कमी रहेगी और शरीर में दर्द रहेगा। साथ में अगर आप एक्सीडेंट हो गया है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, सीवियर पेन होगा, वो एक अलग ही कंडीशन दिख जाएगी, पेशेंट चल फिर नहीं पाएगा, इतना दर्द होगा। अब डिजनरेशन के साथ साथ जैसे कि अगर हमारे जो स्पाइन में जो मेरुदंड के हड्डियों के बीच में जो गद्दियाँ होती हैं, जिसको हम यूजुअली मेडिकल लैंग्वेज में इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं या गुड़िया बोलते हैं आम भाषा में, गुड़िया और इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो वो अगर हमारी उम्र के साथ साथ ख़राब हो जाती हैं तो उनको सपोर्ट करने वाले जो जॉइंट होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं तो पेशेंट को जो दर्द है वो एक तो डिस्क का दर्द होगा, इसका दर्द होने के बाद जॉइंट पेन भी रहने लगेगा, और जॉइंट पेन मैक्सिमम इंटेंसिटी जो अधिकतम जो दर्द की मात्रा रहेगी वो पेशेंट को कमर में रहेगी। ठीक है, फिर थोड़ा सा बटक्स में रहेगा और आपके थाइज में रहेगी और घुटनों में रहेगी, जो काफ मसल्स हैं, जो पिंडलियां हैं, जो नी जॉइंट है, घुटने की जो पीछे वाली मसल्स होती हैं उसमें प्रॉब्लम रहेगी, दर्द रहेगा, और ये जॉइंट का दर्द थोड़ा थोड़ा आपकी एड़ी तक जाता है। जॉइंट बहुत छोटे होते हैं लेकिन उसका जो दर्द का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पेन का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बहुत अधिक कि बहुत ज़्यादा एरिया में रहता है। ठीक, तो ये कुछ हमारे कमर दर्द के कारण और लक्षण थे जो हमने अभी तक आपको बताया। ठीक, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आज लोग परेशान कर रहे हैं फोन कर करके, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हम अपने जीवन शैली को कैसे सुधारें, जिससे कि हमको इस समस्या से हम समस्या से निजात पा सकें। देखिए, सबसे पहला, उम्र को हम नहीं रोक सकते, तो शरीर में जो विघटन की प्रक्रिया है, जो डीजनरेशन का प्रोसेस है, वो चलता रहेगा, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम नहीं रोक सकते। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि
हाँ, हम थोड़ा सा जो लक्षण है वो थोड़ा सा बताना भूल गए कि कमर दर्द के कैसे पता करेंगे कि आपकी जो परेशान तो थोड़ा सा कमर दर्द के लक्षण जो होते हैं, जैसे कि हम लगातार तो कमर दर्द के जो लक्षण हैं, अधिकतम जब पेशेंट कंप्लेंट करेगा पूछने पे तो कहेगा कि साहब मैं लगातार बैठा रहता हूँ तो कमर में दर्द होने लगता है, मुझसे बैठा नहीं जाता। या महिलाएं हैं कहेंगी कि मैं लगभग जब किचन में काम करती हूँ तो लगातार जब खड़े रहकर काम करते हैं तो कमर में दर्द बढ़ने लगता है और पैरों में भी जाने लगता है। या फिर पेशेंट कहेगा कि मैं आगे झुक के काम नहीं कर पाता, मेरी कमर में दर्द होने लगता है। तो ऐसे मरीजों में जब आप बिस्तर से सुबह को उठते हैं तो लगभग 15-20 मिनट कमर में जकड़न रहती है, मांसपेशियों में तनाव रहता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर जो डिस्क के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मॉर्निंग के समय। अब अगर लगातार पेशेंट खड़े रह के काम करता है तो कहता है कि साहब मेरे पैर में जो करंट जैसा भी जाने लगता है, उसकी नस जब लगातार खड़ा रहता है तो वो जो है उस नस का दर्द जो है पैरों में भी जाता है, ठीक है। और नस दबने के लक्षण, जैसे कि पेशेंट को प्रॉब्लम रहेगी कि करंट जैसे लग रहा है पैर में जा रहा है, जो दर्द है करंट के साथ में जा रहा है। दूसरा, पैर में झुंझुनाहट होती है, सुनपना रहता है, और साथ में सुनपन के साथ में पेशेंट को कभी कभी क्या होता है, जब लगातार जब बहुत समय तक नसें दबी रहती हैं तो उसको परेशानी रहेगी कि पैर में मिर्ची जैसा दर्द है, तलवों में सुनपन है, एड़ी में दर्द है, एड़ी के जो साइड में जो हड्डियां होती हैं उभार होते हैं वहां भी दर्द रहता है। तो इस तरह से ये, और अगर नसों पे लंबे समय तक दर्द बना रहता है तो मांसपेशी जो है, थाइस की मांसपेशी और जो अपने घुटने के नीचे की मांसपेशी, वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर बहुत दिनों तक दबाव बना रहे तो ऐसे पेशेंट खड़े नहीं हो सकते, उनका पैर जो है बल नहीं देगा खड़े होने के लिए, उनमें ताकत ख़त्म होने लगती है, वो धीरे धीरे सूखने लगती हैं। तो ये हमने बताए कमर दर्द के लक्षण, और अगर नस दब रही है तो उसके लक्षण। अब हम क्या कर सकते हैं अगर दर्द आपका जल्दी ही शुरू हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो ये कि आप आगे झुक के काम मत कीजिए, दूसरा कोई भारी वजन मत उठाइए, ठीक है, और जो यातायात के नियम हैं उनको प्रॉपर फॉलो कीजिए। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है उसको हाई स्पीड पे बाइक वगैरह मत चलाइए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप इस तरह से, और हमेशा जो आपका बेड है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो कि दर्द से परेशान है वो हार्ड बेड का यूज़ करें, तख्त वगैरह पे रुई का गद्दा बिछा के यूज़ करें, ठीक। आप पढ़ते हैं ट्रीटमेंट की बात। सबसे पहले इसमें जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, जो बहुत ज़्यादा मोटे लोग हैं वो अपना जो कहना चाहिए वज़न कम करें, नियमित रूप से टहलें, कम से कम 1 या 2 किलोमीटर टहलें, और फास्ट वॉकिंग करें। फास्ट वॉकिंग ऐसे नहीं कि आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा टहल रहे हैं, धीरे धीरे नहीं, थोड़ा सा अपने शरीर का पसीना निकालें, जिससे कि जो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड एनर्जी है, वो फैट जो जमा हो गई है एनर्जी के रूप, जो एनर्जी है फैट के रूप में जमा हो गई है, वो थोड़ा सा बर्न हो और वेट कम हो। वेट कम होने पर हमारे शरीर का जो ऊपर का जो वजन है जो वहाँ पर कमर के लेवल पे पड़ रहा है वो थोड़ा कम हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो सिंपल मेडिकेशंस होती हैं पेन की, सबसे पहले वही दी जाती हैं। लेकिन अगर दर्द बहुत पुराना हो गया है तो वो आपके कमर प्रॉब्लम तो कमर में है, लेकिन क्रॉनिक अगर दिक्कत आपकी हो गई है, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो आपके दिमाग में स्थित हो जाती है वो जाकर, और नसों में जो हमने अभी बताया कि चेंजेस आने लगते हैं, वो चेंजेस के लिए फिर आपको कुछ इस तरह की मेडिकेशन चलाई जाती हैं जो कि नसों को शांत कर सके। तो बात चल रही थी कि अगर आपकी दिक्कत बहुत पुरानी हो गई है
तो वो सिंपली फिर वो मेडिकेशन से नहीं जाती है। तो डिस्क के लिए जो आज के समय में जो इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है, जो पेन फिजिशियंस होते हैं आपके सारे शहरों में अधिकतर मिलने लगे हैं आप, वो आपको भली भांति क्योर कर सकते हैं। हालांकि क्योर तो सभी कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट द्वारा कुछ इस तरह की टेक्निक हैं कि उनसे अधिकतम लाभ पाया जा सकता है। उनसे भी अगर ठीक नहीं होता है तो आज के समय में जो दूरबीन विधि द्वारा जो इलाज है, जो मिनिमम इन्वेजन के द्वारा है, मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं, वो आपके बहुत काम आ सकते हैं। जैसे कि रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन और दूरबीन विधि द्वारा डिस्क ऑपरेशन, ये अत्यधिक कारगर इलाज हैं, जिसमें कि प्रायः क्या होता है कि उसके लिए जो थोड़ा लंबा चीरा लगता है कमर में, लेकिन दूरबीन विधि में बहुत छोटे छोटे चीरे लगते हैं। तो आज की बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे आप फेसबुक जो पेज है उसको लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी जानकारी हम लोग अपडेट करेंगे वो आपको मिलती रहेगी। तो किसी परेशानी हो तो उसके लिए जो मैंने अपने वॉलपेपर पे नंबर लिखे हुए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। मुझको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।